बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डेफोडिल्स ब्यूटी पार्लर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ ब्राइडल मेकअप और वलीमे ब्राइडल जो ब्राइडल का वलीमे का मेकअप करते हैं आई मेकअप। जस्ट मैं आज आपको आई मेकअप दिखाऊंगी, इसलिए कि मैं आपको एप्लीकेशन करना नहीं बल्कि ऑलरेडी आई मेकअप कंप्लीट है, मैं उसके बारे में बताऊंगी हमने कैसे कौन कौन से इसमें शेड यूज़ किए थे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं आपको अपने प्रोडक्ट दिखाऊंगी जो हमने एप्लीकेशन की हैं। जैसे हमने मैक का जो है इसमें आई शेड किट है, डियोर का हमने हाईलाइटर यूज़ किया है और कैलोन का लूज पाउडर, काशिस के ये वाइट आईलाइनर है और ये प्राइमर काशिस का भी है, स्टेज लाइन का भी है और इसमें हमने कैलोन का आईलाइनर ब्लैक और डर्मा 4D कलर हमने आई पर यूज़ किया है। और इसके बाद ये सीलर है जिसके साथ हम आईलाइनर लगाते हैं, ये हमने काजल यूज़ किया है और ये इसका आई शेड जो ये शिमर है जो हम आईज पर लगाते हैं ग्लिटर। और जो हमने ब्रश इसमें यूज़ किए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। हमने आमना के ब्रश भी इसमें यूज़ किए हैं, इसमें हमने कैरलोन के ब्रश भी यूज़ किए हैं और इसमें हमने एमजे मराठे के भी ब्रश यूज़ किए हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट, हम चलते हैं अपने आई मेकअप की जानिब जो हम ऑलरेडी पहले कम्प्लीट कर चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको कभी नेक्स्ट टाइम, क्योंकि आजकल शादियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है तो पार्लर में इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हम अपनी ब्राइडल वगैरह में इतने बिजी होते हैं, लेकिन फिर भी अपने वर्क के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट जब हम वीडियो बनाएंगे तो हम उसमें वन बाय वन एक एक चीज़ आपको बताएंगे, कैसे बेस बनाई जाती है, कौन सी स्किन पर कैसी बेस लगती है, आई मेकअप के बारे में बताएंगे, विद हेयर स्टाइल होगा, आपको आईलाइनर के बारे में सिखाएंगे कि जैसे हम ब्राइडल कंप्लीट फुल ब्राइडल आपके सामने, बल्कि हम एक एक चीज़ आपको बताएंगे कैसे एप्लीकेटर को पकड़ते हैं, कैसे एप्लीकेशन करते हैं, कैसे आई सॉकेट बनाते हैं, टोटल हम आपको बताएंगे। इंशाल्लाह ताला अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे कमेंट में बताइएगा, और क्योंकि आप लोगों ही के ताउन से ये चैनल आगे चल सकता है, एक दूसरे से कोऑपरेटिव करते रहेंगे, एक दूसरे का ताउन रहेगा। इंशाल्लाह आप हमें दुआओं में याद रखिएगा, आप भी हमारी बेस्ट विशेज़ में हो, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।